चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले शिवानंद का डाउट लेते हैं। इसका एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है सामने में, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा भाई? कॉमन इन फीदर एंड सिल्क, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए फीदर में जो प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन, ठीक है, बता दे मैंने, केराटिन नेल में होता है, हेयर में होता है, हूफ में होता है, फीदर्स में होता है, स्केल्स में होता है, जो भी एक्सोस्केलेटन पार्ट है ना उसमें, फीदर वगैरह में ये केराटिन प्रोटीन होता है। सिल्क में प्रोटीन होता है, शिवाना नाम बताओ याद है क्या सिल्क में जो प्रोटीन होता है? ज्योति याद है? फिब्रियोन प्रोटीन होता है, और ये फिब्रियोन और ये केराटिन, ये दोनों क्या है? प्रोटीन है, ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। यही सिमिलरिटी है दोनों का, कि दोनों प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आंसर इज प्रोटीन। समझ में आया जी? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और भी जिनका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 23, स्क्रीनशॉट अपने मन से लेते चलेगा, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या भाई 23 में बोला है? स्टार्विंग पर्सन, स्टार्विंग पर्सन मतलब जो मतलब स्टार्वेशन पे है, जो भूख पर है, जो मतलब फास्टिंग पर है, ये बोलो, ठीक है। तो स्टार्विंग पर्सन विल फर्स्ट यूज, देखो भूख मतलब वो एक तरीके से भूखा है, वो कुछ खा नहीं रहा है, ठीक है, तो मतलब उसने अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कंज्यूम करना बंद कर दिया है, अपने बॉडी के अंदर बाहर से लेना बंद कर दिया है, तो अब जो उसके बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट है उसको तोड़ना चाहेगा उसका बॉडी एज ए एनर्जी सोर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है सेल प्रिफरेंस किसको देता है सबसे पहले तोड़ने के लिए, बोलो शिवानंद, सबसे पहले प्रिफरेंस किसको मिलता है तोड़ने के लिए? शिवानंद, यस सर, सबसे पहले किसको मिलता है प्रिफरेंस? नवीन, कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड देन प्रोटीन। तो सेल जब बाहर से लेना बंद कर चुका है तो अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है सबसे पहले उसको तोड़ेगा, देन अगर फैट स्टोर्ड है तो उसको तोड़ेगा, और वो भी खत्म हो गया तब भी आदमी खाना नहीं खा रहा है तो लास्ट में वो प्रोटीन को तोड़ने लगेगा। अब आप ऑप्शन पढ़िए, यहाँ क्या दिया है? फैट्स, ग्लाइकोजन, ब्लड प्रोटीन, मसल प्रोटीन, नहीं सबसे पहले बोला है, तो फैट गया, प्रोटीन गया, प्रोटीन गया, अब बचा ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल सेल, स्टार्विंग पर्सन मतलब आदमी की बात हो रही है, तो आंसर इज ग्लाइकोजन। समझ में आया सभी को? आंसर नहीं है वो, आंसर कैसे नहीं होगा वो, आंसर ग्लाइकोजन होगा, देख लो, वही है सर, आंसर ग्लाइकोजन होगा 23 का। दो ग्लाइकोजन कैसा आ गया? अरे पहले खाना खाया था ना वो, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, और वो कहाँ स्टोर होता है ये भी लिख लीजिए अगर आपको ये नहीं पता है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ये ग्लाइकोजन, कहाँ गया ये रहा, ये ग्लाइकोजन मेनली आपके लीवर और मसल सेल में स्टोर होता है, बताया उस दिन, पहले खाना खाया था ना, अब खाना बंद किया है, अब नहीं खा रहा है कुछ दिनों से, तो लीवर और मसल में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है वही है ग्लाइकोजन, वही टूटना स्टार्ट हो जाता है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 सर, हाँ सिर्फ स्टोर कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लाइकोजन बोलेंगे? हाँ स्टोर कार्बोहाइड्रेट ही ग्लाइकोजन है एनिमल में, ग्लाइकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 40, वैसे ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, आपको हम डाइजेशन में बताएंगे, प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्वासिकोर होता है, छोड़ दीजिए डाइजेशन पढ़ाएंगे ना, डाइजेशन सिस्टम उसका डिसऑर्डर में बताने में,
ठीक है। प्रोटीन का डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्वासीकोड। छोड़िए, मैरिसमस होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, आपको बता देंगे वहाँ डाइजेशन में बता देंगे, ठीक है। चलिए और बोलिए, एक्सरसाइज टू में 18 और 20। अरे इसमें क्या है, ये एक टेबल दिया था एनसीईआरटी में, टेबल नंबर, तुम लोग वो टेबल देखे नहीं हो, कल भी बोले थे कोई टेबल याद कर लेना, उससे क्वेश्चन भी दिए हुए ढेरी सारा, टेबल याद ही नहीं किए तुम लोग। कितने लोग ये वाला टेबल देखो, बता रहे हैं टेबल नंबर 9.3, कितने लोग देख लियो 9.3, कहाँ भाग गया शिवानंद 9.3। जो बच्चे 9.3 टेबल देख लिए उसका ये डाउट होगा ही नहीं, ये एक प्रकार का लैक्टिन है भाई, टेबल में स्पष्ट तौर पे दे रखा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं था आपको। एल्कलाइड्स, इसेंशियल ऑयल, पिगमेंट, इन सब का भी एग्जांपल दिया है और लैक्टिन का भी एग्जांपल दिया है, उसी में ये मैच करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेबल से लर्न करना था, 20 नंबर भी इसका डाउट है। हाँ ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया था, बता देते हैं, ठीक है। ये रामाचंद्रन प्लॉट किसी को पता है क्या होता है? अरे बोलो, नहीं पता। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वैसे। तो एनसीईआरटी में तो है ना रामचंद्रन के बारे में? हाँ, कौन से, केमिस्ट्री वाले में है सर, इसी में तो है, मतलब उसका क्या, उसको बोलते हैं आगे से जाता है ना फर्स्ट पेज पे, रामचंद्रन प्लॉट। बायोलॉजी वाले एनसीईआरटी में कहाँ है जी सर? साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया है ना, रामचंद्रन बायो मॉलिक्यूल्स में साइंटिस्ट का जो स्टार्टिंग पेज पे दिया है सर, सेल से पहले वाले स्टार्टिंग में पढ़ते उस पे था, यहाँ से यूनिट स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे उनके बारे में दिया है ना, देखो बताओ, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो गया। वैसे इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तब तो आपको आंसर यहाँ मिल ही जाएगा, मैंने देखा नहीं था। असल में क्या, ये मैं पढ़ता हूँ साइंटिस्ट के बारे में, फ्री जब रहते हैं ना तो कभी कभी पढ़ लेते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये आपके साइंटिस्ट है, मैं आपको इनका वर्क बता देता हूँ, इनका वर्क क्या है। ये ना अमीनो एसिड होता है ना प्रोटीन का, तो जो वो ऐसे हेलिक्स नहीं बनता या फिर सीट नहीं बनता ऐसे, तो उसमें जो अमीनो एसिड के बीच में एंगल होता है ना, एंगल यहाँ पे या फिर यहाँ पे एंगल, तो वो फाई और साई एंगल होता है, ठीक है। और ये एंगल को निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स में इन्हीं के द्वारा दिया गया एक कोई हेड मेथड और प्रोसेस, स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होता है उसमें। तो कुल मिला के ये रामाचंद्रन प्लॉट फाई और साई एंगल को डिटरमाइन करने के लिए, बायोलॉजी में इनका क्या यूज है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो जब ट्विस्टिंग करते हैं बीटा सीट या फिर अल्फा हेलिक्स जो भी बनाते हैं, तो उसमें जो एंगल होता है अमीनो एसिड के बीच में, वहां पर रामाचंद्रन प्लॉट यूज किया जाता है एंगल पता करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोटीन। अदरवाइज आप इसका डिटेल पढ़ लेना, ये सही बोली, पेज नंबर आपका 126, 125, 124, पेज नंबर 124 पे रामाचंद्रन बारे के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, जीएन रामाचंद्रन, ठीक है, उसके बारे में पूरा दिया। आप पढ़ोगे तो उनकी कुछ हिस्ट्री पता चलेगी और लास्ट में उनका वर्क पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्टैटिस्टिक्स में इनका जो है पूरा मेथड दिया हुआ, उसी मेथड से हम लोग प्रोटीन के अमीनो एसिड के बीच में एंगल पता करते हैं। सभी को समझ में आ गया, याद कर रखिए। तो ये बाहर से नहीं है, तब तो एनसीईआरटी से ही हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक्सरसाइज थर्ड में 15। क्या पूछा है भाई? अरे क्या क्वेश्चन पूछ लियो भाई तुम, किसका है शिवानंद, क्या पूछे हो भाई? कम से कम 10 बार ये स्ट्रक्चर बनाए बीटा डी ग्लूकोज का। अरे बीटा डी ग्लूकोज है भाई, यहाँ देखो ना वो है ऊपर में है, बप याद करो, बीटा अप, बीटा अप, बीटा में ओएच ऊपर,
अब बोलोगे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही है भाई, इतना बार बना लिए, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार पाँच छः, एच ओ एच एच ओ एच ऊपर नीचे, भाई अब कितना बार बताएं कि राइबोज, पहले बात तो राइबोज हो नहीं सकता, ये डीऑक्सी राइबोज हो नहीं सकता क्योंकि उसमें पाँच ही कार्बन होता है टोटल, यहाँ छः कार्बन, अब बचा अल्फा या बीटा तो एच को देख के बताना था, क्या दिक्कत है शिवानंद इसमें तुमको? शिवानंद है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो फिर डाउट तो पूछे हो तुम। चलो अब आते हैं रिभा पे, रिभा का डाउट है एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना है ना, वो मैंने ट्रिक बताया था याद है सूत्रमाला, अरे याद है सूत्रमाला में इसके बारे में बोला था ना, ट्रेहलोज है, टी आर ई एच एल ओ एस सी, ट्रेहलोज, तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है, ये है जो क्वेश्चन बोला इसका आंसर ट्रेहलोज है, ये पाया जाता है हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, ये पाया जाता है हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, प्रेजेंट इन या फाउंड इन, अब आप बोलोगे हीमोलिम्फ क्या होता है, देखिए इंसेक्ट एक नॉन इनवर्ट मतलब कि इनवर्टिब्रेट है, और इनवर्टिब्रेट के अंदर जो फ्लूड है खास करके इंसेक्टा के अंदर ऑर्थोपोडा के अंदर, उस फ्लूड को हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं, और वो किसी ब्लड वेसल से में नहीं बहती, वो हीमोसील में बहती है, जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं बॉडी कैविटी में, तो उसी में वो डायरेक्टली बह रही होती है, वहां ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हीमोलिम्फ, तो हीमोलिम्फ क्या है, इंसेक्ट के अंदर बहने वाला फ्लूड है बॉडी में, ठीक है, और उसमें जो शुगर होता है वो होता है ट्रेहलोज, ये इन्फॉर्मेशन याद रख, जहाँ सूत्रमाला लिखे हो ना, तो जहाँ ट्रेहलोज लिखे हो ना, ट्रेहलोज में ये बात ऐड कर लो, ये कहाँ मिलता है, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट में, आंसर इज ट्रेहलोज, एच ए होगा, टी आर ई एच, ट्रेहलोज। सर मेरा थर्ड चैप्टर वाला नहीं हुआ सर, क्या बोले थर्ड चैप्टर, थर्ड एक्सरसाइज में सर डाउट था एक 15 नंबर, अभी तो लिए यार तुम्हारा 15 नंबर, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, कहाँ गया था तुम अभी ये शिवानंद, अरे 15 नंबर अभी डिस्कस नहीं हुआ, सॉरी सर, गजब बात करता है, 15 नंबर ही डिस्कस कर रहे थे। रिवा का अगला डाउट एक्सरसाइज वन में इसका 25 नंबर भी डाउट है, ये रहा क्या कंफ्यूजन है रिवा तुमको इसमें, मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है तो होता है, अब कंफ्यूजन है इसको, अरे भैया लैक्टोजन जो होता है ना, एक केमिकल होता है जिससे लैक्टोज बनता है, ठीक है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, बाकी मायोसिन और पेप्सिन, पेप्सिन तो खैर एंजाइम होता है, और वो मिल्क में नहीं मिलता है, वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में मिलता है, ठीक है, और मायोसिन ये मसल्स का प्रोटीन है, आंसर इसके सीन, लैक्टोजन एक ऐसा केमिकल जिससे लैक्टोज बनता है, बस लैक्टोजन के लैक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, बस। चलिए अगला 34 सामने तो है, अच्छा स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए मगर नॉट शुगर, वो शुगर नहीं होना चाहिए, तो पहली बात प्रोटीन स्वीट नहीं होता इसलिए काट दीजिए, समझते चलना ध्यान से, प्रोटीन स्वीट नहीं होता इसलिए काट दिए, फिर बोला नॉट शुगर, लैक्टोज एक शुगर है, लैक्टोज एक शुगर है इसलिए भी काट दिए, ये दोनों क्यों काटे समझ में आया रिभा? यस सर। अब आते हैं
स्टार्च और सक्रीन, ये सैकराइड नहीं है, ये सक्रीन है। अब आते हैं पहले स्टार्च पे। स्टार्च स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है, स्वीट वाटर में सोल्युबल थोड़ी होता है, स्वीट इन टेस्ट स्टार्च प्लांट का है ना, हाँ स्वीट इन टेस्ट ये नहीं होता, इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, रिजेक्ट, क्योंकि ये पॉलीमर है ना, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, तो इसको भी काटे। अब बचा आपके सामने सैक्रीन, सैक्रीन स्वीट इन टेस्ट तो है, स्वीट है बट नॉट शुगर, ये शुगर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख लीजिए। वैसे केमिस्ट्री वाले सर आपको सैक्रीन का डिस्कशन करेंगे जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन ये स्वीट होता है, ये शुगर नहीं है लेकिन ये स्वीट होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पिछले साल वो एनटीए वाला अभ्यास वाला जो एनटीए चलाया था ना एक सीरीज पिछले साल, उसमें भी ये क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने पूछा था, स्टार्च लैक्टोज और प्रोटीन आंसर क्यों नहीं होगा, तीनों का कारण बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ रही बा? यस सर। चलिए अगला 35-20 का डाउट है, अरे बोला तो था, नहीं बोला था तो बताएंगे, जब बता देंगे जब पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट, एक बार फिर से बोल देता हूँ। जब फोटोसिंथेसिस होता था लीफ, लीफ के अंदर ध्यान दीजिएगा, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता तो ग्लूकोज है, ठीक है, बनता तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां बना है वहां से स्टोरिंग ऑर्गेन तक, तो ग्लूकोज बीच में मीडियम में रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चीज, और ये ग्लूकोज वाटर में सोल्यूबल है, दूसरा रेड्यूसिंग भी है, तो इसको आप ऐसे चीज में कन्वर्ट कीजिए जो एटलीस्ट नॉन रेड्यूसिंग हो, और अगर वो नॉन रेड्यूसिंग होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसको अच्छा बढ़िया क्या है कि इसको आप किसी दूसरे चीज के साथ क्या कीजिए, किसी दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कन्वर्ट, मतलब कि उसको जोड़ के कन्वर्ट कर दीजिए डाइसैकेराइड में, ऐसा डाइसैकेराइड जो नॉन रेड्यूसिंग हो। तो पता चला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसका आपस में कन्वर्जन इजिली पॉसिबल है क्योंकि दोनों आइसोमर है, तो ग्लूकोज को कई मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेता है लीफ के अंदर ही, सब काम चलता है, और तब इन दोनों को जोड़ के क्या बना लिया जाता है, चलिए बोलो रिभा, ग्लूकोज और सुक्रोज के जुड़ने से क्या बनेगा, सुक्रोज, और सुक्रोज बन के तैयार हो गया। सुक्रोज रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग है, नॉन रेड्यूसिंग, तो ये रास्ते में पानी में किसी के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बस यही कारण है कि सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं और तब उसको करते हैं ट्रांसपोर्ट ताकि रास्ते में कहीं रिएक्शन ना करे, फिर जहां चला गया फिर वहां जहां यूज करना है सुक्रोज को तोड़ के फ्रक्टोज और ग्लूकोज निकाल लेंगे, और अगर ग्लूकोज यूटिलाइज करना है तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करा सकते हैं सेकंड स्टेप से। कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट कराना है ताकि रास्ते में रिएक्शन ना हो किसी से, और रिएक्शन करता है रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर रास्ते में रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए सुक्रोज में कन्वर्ट कराए। ये बातें मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी बताऊंगा, लेकिन अगर अभी आपको जानना था तो मैंने बता दिया। स्क्रीन शॉट क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस हो गया, हो गया है। एक्सरसाइज 2 में 1 क्या पूछ रहे हो यार, ये मतलब कितनी बार बताया मैंने, ये तो बोलो ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करता है, तुम ही बोलो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना जरूरी है, कायरल कार्बन, ठीक है। अब बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में किसके पास कंफर्म कायरल कार्बन नहीं होगा, अगर ट्रायोज है तो, अगर नहीं पता स्ट्रक्चर बनाना डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का, ये कीटोन है, और स्ट्रक्चर बनाना ग्लिसरल्डिहाइड का, और ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा समझा देते अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद हो तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा समझाए थे, कितनों को याद आ गया ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, याद आया जी रिभा? यस सर। इसमें
इसमें कौन सा कार्बन, 1, 2, 3 कौन सा कार्बन कार्यल है? बीच वाला। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा बताए तो याद आया? यस सर। इसमें कायरल कार्बन है कहीं पे भी? नहीं नहीं। तो जब जब कायरल कार्बन नहीं है तो कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? नो सर। और बोले थे सारे मोनोसैकेराइड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देते हैं केवल डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को, मतलब कीटोज को छोड़ के सब कर देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, इरेथ्रोज और राइबोज, ये क्या है, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड? मोनोसैकेराइड। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज क्या? इरेथ्रोज तो टेट्रोज है। टेट्रोज है। राइबोज, राइबोज सुगर, मतलब वो पांच कार्बन का, मतलब पेंटोज है। पेंटोज है। मैंने क्या बोला था, मोनोसैकेराइड में केवल डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के सब क्या है, सब ऑप्टिकली एक्टिव है। नाम से भी पकड़ सकते हो, ओज लगा है, अगर फ्रक्टोज नहीं है तो ओज बताओ क्या है, कीटोन या एल्डिहाइड? कैसे? अगर ओज लगा है, ओज लगा है फ्रक्टोज को छोड़ के, बाकी कोई कंपाउंड के नाम के लास्ट में ओज लगा या एल्डिहाइड लगा है, तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बताओ। कीटोन है। कीटोन है उसको, अच्छा फ्रक्टोज को छोड़ के तो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन आ ही जाता है बीच वाला, एटलीस्ट देखो ना, जब ट्राई में आ गया तो टेट्रा और पेंटा में तो आएगा ही आएगा एल्डिहाइड, मतलब कि उसमें कायरल कार्बन आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, बस ये नहीं करेंगे, तो यही आंसर होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, और एक्सरसाइज 3 का 19 ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कंसेप्ट इसमें ये है, कॉर्न आपको पता है कि ये मतलब कि कंटेन तो करता ही है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट तो इसमें होता है, ये तो सभी को पता है। तो बोला है कॉर्न इज इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर, मतलब एक खोलते हुए पानी में कॉर्न को डाला है, ठीक है, एक खोलते हुए पानी में कॉर्न के दाने को डाला है, ठीक है, लीजिए डाल दिया, ठीक है। अब बोला क्या है, क्या बोला आगे, इट इज देन कूल्ड, फिर ठंडा कर दिया, पानी थोड़ा ठंडा हुआ, देन आपने गौर किया सॉल्यूशन बिकम स्वीट, मतलब पहले पानी नॉर्मल था, गर्म किया आपने, उसमें कॉर्न का दाना डाला, फिर पानी ठंडा हुआ, तो आपने पानी को जब पी के देखा तो पता चला पानी स्वीट है। चलो रीवा तुम ही बताओ, पानी अगर स्वीट है इससे तुम क्या बात का अंदाजा लगा लिए कि पानी में क्या मिक्स हुआ है? सुगर, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, ये जो कॉर्न है, ये कॉर्न अगर ठंडा पानी में डाला जाए, नॉर्मली ठंडा पानी में डाला जाए कॉर्न, तो पानी स्वीट नहीं होता है, नहीं होता है। ठंडा पानी में कॉर्न डाला तो पानी स्वीट नहीं होता है, लेकिन गर्म पानी में डाला, यहां देखो गर्म पानी में डाला तो फिर ठंडाने के बाद वो पानी स्वीट हो गया, तो इससे तुम क्या पता लगा रहे हो कि किसी चीज के टेम्परेचर की वजह से ब्रेक होने के बाद स्वीटनेस आती है या स्वीटनेस का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है? टेम्परेचर से लेना देना है, मतलब कोई ऐसा चीज है जो खुद टूटता है किसी चीज में तब स्वीटनेस आती है। अब जो चीज टूटेगा, बड़ा चीज ही छोटा चीज में टूट सकता है, क्योंकि छोटा चीज तो छोटा और छोटा हो जाएगा ना, छोटा चीज तो जुड़ सकता है। तो अब ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या बोला, पहला ऑप्शन पढ़ो, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड इन बॉइलिंग वाटर, नॉनसेंस बात है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, स्वीटनेस का एंजाइम से कोई लेना देना है ही नहीं, पहली बात। अब लिखा है डाइसैकेराइड आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड, बोलो यहाँ पे ब्रेकिंग का काम चल रहा है या ज्वाइनिंग का काम चल रहा है? ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। नशा करके आए हो क्या आज? नहीं, एक डाइसैकेराइड कन्वर्ट हुआ मोनोसैकेराइड में, ज्वाइनिंग का काम है या ब्रेकिंग का काम है?
ब्रेकिंग का काम। तो क्या ये हो सकता है टेम्परेचर की वजह से? बोलो, हो सकता है। और ये क्या मोनोसैकेराइड स्वीटनेस दे सकता है? हाँ। होल्ड करो, ये आंसर हो सकता है, इसलिए इसको होल्ड करो, ठीक है। अगला, मोनोसैकेराइड आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, ये ज्वाइनिंग का काम है कि ब्रेकिंग का काम है? ज्वाइनिंग का काम। ज्वाइनिंग का काम है। क्या टेम्परेचर देने से ज्वाइनिंग का काम हो सकता है क्या, हाई टेम्परेचर देने से? नहीं। तो ये गया, नन ऑफ दिस भी गया, आंसर बता सके, समझ में आया कंसेप्ट सभी को? हाथ खड़ा कर दीजिए। ये था क्वेश्चन, भाई सिंपल है कि आपने क्या क्या है, पानी दिया है, गर्म पानी में कॉर्न डाला है तो पानी मीठा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से कुछ टूटा है और उसकी वजह से। और अगर ठंडा पानी में आप कॉर्न डाल के देख लेना, घर में ठंडा ग्लास में पानी लेना, कॉर्न का दाना डालना, पानी मीठा नहीं होता है, लेकिन गर्म पानी में डालोगे उसके बाद उसको ठंडा ठंडाने छोड़ देना और पी के देखना, पानी मीठा हो जाता है, हो जाता है। कितने लोग घर में कॉर्न को गर्म पानी में डाले, हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं डाला, मतलब कि डालने के बाद पानी पिए नहीं होंगे, अलग बात है, लेकिन डाले हैं गर्म पानी में। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कॉर्न होता क्या है, हाथ खड़ा कीजिए। उसको देसी वर्जन में क्या बोलते हैं अभिषेक, देसी वर्जन में क्या बोलते हैं? ज्योति बोलना चाहेगी, बोलो ज्योति। क्या बोलते हैं? भुट्टा होगा। हाँ, भुट्टा, 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 लावा, लावा तो उसको नहीं, लावा उसको गर्म करने के बाद आता है, लावा तो उसको भूजते हैं तब, भुट्टा, भुट्टा, ठीक है। तो भुट्टा को दो तरीके से खाया जाता है, एक तो पकाया जाता है गर्म में, आग में, कोयला में या गैस पर, और एक तरीका होता है जो बहुत कम लोग उसे खाते हैं, गर्म पानी में उसको डाल के उसको सिझाते हैं। कितने लोग खाए इस तरीके से, बड़ा मजा आता है, मैंने तो खूब खाया इसे। हाँ, तो जब वहां गर्म पानी में डाले थे ना, तो जिस गर्म पानी में डाले थे उसको ठंडाने के बाद पी के देखिएगा, मीठा लगेगा। और नॉर्मली कोई भी बर्तन में उस भुट्टा को डाल के छोड़ दीजिएगा, कभी मीठा नहीं होने वाला। कुल मिला के वहां बात यह है कि डाइसैकेराइड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इसमें मोनोसैकेराइड में, इसलिए स्वीटनेस आ रहा है, बस। चलिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सभी को। अगला क्वेश्चन, अभी 10 मिनट है ना इस मीटिंग का, तो ज्योति तुम्हारा डाउट पता नहीं चल रहा है, फोटो ढंग से खींच के नहीं भेजो, एक्सरसाइज वन में चार मतलब फोर नंबर डाउट है, क्या 40, 35 और 11 है, 35, 11 तो हो गया, 35, 11 हो गया, बस 40 है, 40 भी हो गया, अरे 40 भी हो गया, नशेड़ी नशा करके आती है क्लास में। एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट नहीं है, एक्सरसाइज 2 में इसका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इसका डाउट है। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 ज्योति? 18 है, मुझे तो वो पाई लग रहा है, उसके बगल में आप देखो क्या लिखो, आप पाई ऐसे लिखा हुआ भाई, देखो ऐसे पाई नहीं है, मतलब इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, रो 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 रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसका, एक्सरसाइज 3, 2 में क्या है भाई, 2 में एक बार देख लो जरा, फॉस्फोलिपिड मिलता है, कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, ग्लाइकोलिपिड भी मिलता है, प्रोलीन नहीं मिलता है, यही आंसर होगा, क्या दिक्कत है? वो बात क्या पता है, ये सेल नहीं ना पढ़ी है, बैकअप तो ले नहीं रही है, बैकअप तो ले नहीं रही है, तो सेल पढ़ी नहीं है, इसलिए इसको डाउट है। सेल में जब आप मेरे से सेल मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे ना ज्योति, तो आपको पता चल जाएगा सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देता है, और सेल मेम्ब्रेन में
ग्लाइकोलिपिड भी होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ कार्बोहाइड्रेट पार्ट रहता है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है। तो ये तीनों होता है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन प्रोलीन नहीं होता है। समझ में यहाँ कुछ समझाया नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो के बाद क्या लिखे हो आप? डायरेक्ट 18 है? हाँ 18 है। तो वो बीच में क्या है? 18 भी हो गया, अभी बताया था। टेबल गौर से देखना, ये जो है एक प्रकार का 18 हो गया, एक लैक्टिन है, देखे थे। चलिए, बाकी तो कोई डाउट नहीं है आपका? ज्योति रिभा, अगर दूसरे का डाउट सुनने में इंटरेस्टेड है तो रहिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। चलिए नवीन का लेते हैं। ऑल डाउट क्लियर? हाँ सर। अगर तुम्हारा ऑल डाउट क्लियर हो गया तो ईरान का भी ऑल डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों का डाउट सेम था। किसमें? 18 और 48, 8-20 हो गया। एक्सरसाइज 2 में है ये, एक्सरसाइज 2 में 8। अब भाई क्या दिक्कत है इसमें? मैक्रोमोलिकुल काइटिन, भाई काइटिन किस चीज का बना होता है? नाग, एनस्टाइल ग्लूकोसामीन। एनस्टाइल ग्लूकोसामीन में अमीन पार्ट क्या होता है? NH COCH3, और बीटा डी ग्लूकोज साथ में जुड़ता है। तो बताओ इस नाग में, नाग से बनता काइटिन, इस नाग में क्या है, सल्फर या नाइट्रोजन? मुझे तो सल्फर नाइट्रोजन दिख रहा है, सल्फर नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन गया। फास्फोरस भी नहीं दिख रहा है, ये भी गया। सिंपल पॉलीसेक्राइड तो नहीं है यार, क्योंकि अमीनो सुगर है। तो आंसर इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। अगला है 18, डायरेक्ट 18 हो गया और है। चलो नवीन का हो गया, अतीक का लेते हैं। मीटिंग का समय 5 मिनट है अभी, अभिषेक का भी नहीं हुआ है। मेरा 4 बचा हुआ है और सब कंप्लीट हो गया। 4 कौन? एक्सरसाइज 2 में? यस सर। तो तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में 23-24 तो नहीं बताए अभी? 23-24 नहीं था वो, 23 और 34-35 था। 23 क्लियर हो गया? यस सर। 34 भी क्लियर हो गया, 35 भी क्लियर हो गया, 39 भी और 40 भी। 39 तो नहीं बताए भाई, RNA-CD 39 बताए या क्लियर हो गया? नो सर, 39 नहीं हुआ सर, 39 नहीं बताए। हाँ तो ये क्लास में बताए थे, जब राइबोस शुगर बता रहे थे ना तो बताए थे। देखो ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या होगा, एक कोई ना कोई शुगर आया होगा, और वो कौन होता है मैं बता दूं बच्चों, वो होता है राइबोस शुगर। ऐसे ये राइबोस शुगर है, ठीक है, ये क्या है, राइबोस शुगर है, ठीक है, ये राइबोस शुगर है। और इसी के साथ एडिनोसिन भी जुड़ा रहता है, मतलब एडिनिन जो एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है, और फिर 3-फॉस्फेट जुड़ा होता है, 3-फॉस्फेट, तो ATP बनता है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो ATP में शुगर होता है, क्योंकि वहां पे एडिनिन और फॉस्फेट ये दोनों शुगर से ही जुड़ता है। आपको मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर में भी बता रखा है कि राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बनेगा, वो बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ATP नहीं होगा, वो डीऑक्सी ATP होगा। लेकिन अगर मैंने ATP लिख दिया तो एक प्रकार का क्या है, जहां पर एक क्या जुड़ा शुगर, जहां पर एक क्या जुड़ा फॉस्फेट, और जहां पर एक क्या जुड़ा नाइट्रोजनस बेस, तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, और ये एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियोटाइड है। 12th वाला अगर आप क्लास देखे होते तो डाउट पूछते नहीं आप, ठीक है। तो इस ATP में राइबोस शुगर होता है, ठीक है, पबजी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के 12th वाला लेक्चर देख लेते तो दिक्कत नहीं होता, समझे। चलिए ये हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, जो भी बोलना चाह रहे हैं उसका आवाज क्लियर नहीं है। अतीक बोल रहा है नर्वस सिस्टम इसलिए आ गया सर,
नो सर हम नहीं बोल रहे। हाँ बोलो शिवानंद क्या बोल रहा है। हेलो कमेंट में लिख के बोलो, कमेंट में लिख के बोलो, सबका टाइम पास होगा नहीं तो। आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं है। एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन नंबर चार, एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन नंबर चार। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी तुमको, क्या पूछा है? अरे अच्छा नेमिंग में एक बार बताओ, सिंपल बात है। सुक्रोज किस चीज से बनाता है पहले तुमको यही बताओ जल्दी से। फैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा, अल्फा या बीटा? सर अल्फा। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज। अब मुझे बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन पायरेनोज है और कौन फ्यूरेनोज है, जल्दी बताओ। कौन पांच कार्बन वाला रिंग है, मतलब पांच एटम वाला रिंग है, कौन छह वाला रिंग है, कौन मतलब पायरेनोज और कौन फ्यूरेनोज, जल्दी बोलो। ट्रिक भी बताया था, ये फ्यूरेनोज है ठीक है, और ये पायरेनोज है। ट्रिक भी बताया था एफएफ, पायरेनोज है। तो अब आप क्या ग्लूको पायरेनोज इन दोनों को मिलाकर नहीं बोल सकते, इनको फ्रक्टो फ्यूरेनोज नहीं बोल सकते, और अल्फा बीटा लगा लेना ऑप्शन फोर आएगा, क्या दिक्कत है बोलो। नर्वस सिस्टम आज स्टार्ट नहीं होगा, कल स्टार्ट होगा शिवानंद। नर्वस सिस्टम आज स्टार्ट नहीं होगा, कल होगा, कल होगा नर्वस सिस्टम स्टार्ट। और सभी लोग जेरोक्स निकाल लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, और जिनका डाउट है वो जुड़िएगा, जिनका नहीं है जुड़ने का मन हो तो जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। अगले मीटिंग में मिलते हैं, नर्वस सिस्टम कल स्टार्ट होगा ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।